कक्षा चार अध्याय सात क्रिया। क्रिया का सामान्य अर्थ कार्य है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, दौड़ना आदि। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के अनेक रूप, क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में से जो अंश समान रूप से मिलता है वह क्रिया की धातु कहलाता है, जैसे हंस, पढ़, लिख, दौड़, बैठ आदि। धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है, जैसे पढ़ पढ़ना, सो सोना, गा गाना, खेल खेलना, फिर लिख लिखना, कूद कूदना, हो होना, बैठ बैठना। वाक्य बनाते समय क्रिया शब्दों के रूप बदलते रहते हैं, जैसे हंसना हंसता, हंसा हंसेगा, हंस हंसो हंस। क्रिया के भेद। वाक्य के प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक, सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया, कर्म होता है उसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। नंबर एक, माताजी ने भोजन पकाया, मोनिका ने कविता सुनाई। नंबर तीन, विवेक चित्र बनाएगा। अब इसमें प्रश्न है, क्या पकाया, भोजन क्या सुनाई, कविता क्या बनाएगा, चित्र। कर्म भोजन, कर्म कविता, कर्म चित्र। कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है। यदि कर्म का पता चल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में पकाया, सुनाई तथा बनाएगा सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं, तोड़ना, पढ़ना, खाना, उठाना, बुलाना, सुनाना, लिखना, सींचना आदि। नंबर दो, अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नंबर एक, बालक लिखता है। नंबर दो, अध्यापक ने पढ़ाया, बालक सोता है। क्या लिखता है, क्या पढ़ाया, क्या सोता है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। इस प्रकार इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है तथा लिखने, पढ़ने तथा सोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अतः इन वाक्यों में लिखना, पढ़ना, सोता है क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, उठना, चलना, सोना, बैठना, भागना, हंसना, जागना, रोना, डरना, चमकना, बढ़ना, गिरना आदि। क्रिया के अन्य भेद। नंबर क्रिया के कुछ निम्नलिखित भेद भी होते हैं। नंबर एक, सहायक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, वह सामान लाता है, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, सुनीता गाना गाती थी। उपर्युक्त वाक्यों में जाता, खेलते, लाता, गाती मुख्य क्रिया हैं तथा हूँ, हों, हे, थी सहायक क्रिया हैं। मुख्य सहायक क्रियाएं है, था, थे, थी, 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 होंगे, होगी आदि। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, जैसे विनीत हंसने लगा, विजय रेत पर चलता चलता चला जा रहा था, संजय खेलता रहता है। उपर्युक्त वाक्यों में हंसने लगा, खेलता रहता है, चलता चला जा रहा था संयुक्त क्रियाएं हैं। नंबर तीन, नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। संज्ञा, लज्जा, लजाना, नरम, नर माना और भी हैं, शरम, शरमाना, डर, डराना, गहरा, गहराना, गर्म, गरमाना। नंबर तीन, प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे नंबर, पिता ने पुत्र से फल मंगवाया। नंबर दो, अखिल ने अच्छे से कहानी लिखवाई। उपर्युक्त वाक्यों में मंगवाई तथा लिखवाई प्रेरणादायक क्रियाएँ हैं। प्रेरणादायक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, जैसे पहले वाक्य में पिता और पुत्र तथा दूसरे वाक्य में अखिल और अच्छे दो दो कर्ता हैं। क्रिया पर लिंग, वचन तथा पुरुष का प्रभाव। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता रहता है, जैसे लिंग, यह लड़का खेलता है, यह लड़की खेलती है, वह पढ़ता है, मैं मेले में गया था, मैं पढ़ते, वे पढ़ते हैं,
हम मेले में गए थे।